धोखेबाज, दगाबाज, गद्दार। जी हाँ, कुछ ऐसे ही तीखे शब्द आपके जहन में आएंगे जब आप अरबाज की जुबान से अभिनव कश्यप की फिल्म को बीच में ही छोड़ देने की असली वजह जानेंगे। अरबाज खान की माने तो अभिनव कश्यप का गुरूर इतना ज्यादा था कि वो फिल्म के डायरेक्टर होते हुए भी फिल्म को अपनी शर्तों पर बनाना चाहते थे, प्रोड्यूसर की सुनना भी नहीं चाहते थे। He probably wanted to do it on his own terms and conditions. It was not okay. It's a team effort. इतना ही नहीं, इतनी लाइमलाइट मिलने के बाद भी अभिनव को लगता है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा। हमने उन्हें हमेशा ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। I have always thanked him on award functions and appreciated his efforts. हमने उन्हें ब्रेक दिया है। अरबाज ने अपने दिल का गुबार और अभिनव के लिए भरा जूम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में निकाली। अरबाज के लिए सबसे बड़ा शौक तो ये था कि अभिनव ने 15 दिन पहले शूटिंग के लिए हाँ की, लेकिन फिर चुपचाप एक SMS भेज कर किनारा कर लिया। 15 दिन पहले मिल के गया, शूटिंग के लिए हाँ कहा, फिर एक SMS भेजा कि नहीं करनी है। अरबाज ही वो हैं जिन्होंने अभिनव को बॉलीवुड में सबसे पहला ब्रेक दिया। ऐसे लोगों को ब्रेक की वैल्यू मालूम नहीं होती है। If he decides not to do it, fine. I would not run after him. ताज्जुब की बात है कि जिस अरबाज ने अभिनव को बॉलीवुड का रास्ता दिखाया, आज उसी अभिनव ने अपना रास्ता हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया, सिर्फ अपने गुरूर की वजह से। सही कहते हैं, बॉलीवुड में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती।